नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर। सीटेट आपको मुश्किल लगता है, आसान लगता है? सबकी अलग अलग राय हो सकती है। हो सकता है मैं ये कह दूं मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो कोई ये कह दे कि सर ये तो एकदम आसान लगता है हमें, तो आप में से कोई कह देगा कि मुझे मुश्किल लगता है, और हो सकता है मैं ये कह दूं मुझे तो आसान लगता है। सभी की राय इस परीक्षा को लेकर के अलग हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप जब टीचर बनने के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर शुरुआत जिस परीक्षा को देने को लेकर के आपकी होगी वह सीटेट की परीक्षा होगी। हमारे देश के अंदर जिस परीक्षा को सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं टीचर बनने को लेकर के, यही वो परीक्षा है। अगस्त में जब सीटेट की परीक्षा हुई तो साथियों 29 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, पेपर वन और पेपर टू को मिलाकर के। टोटल रजिस्ट्रेशन 29 लाख से भी ज़्यादा थे, जिसमें से 20% बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए ही नहीं, लगभग 80% बच्चे इस परीक्षा को देने के लिए गए, और उसमें से भी सिर्फ 4 लाख बच्चे ही परीक्षा को पास कर पाए। यानी कि आप लोग ये देखो कि 20 लाख से ज़्यादा वो हैं जो इस परीक्षा को पास ही नहीं कर सके। छोटा नंबर नहीं है। आपकी बार जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखकर हर कोई हैरान है, हर कोई हैरान है उस रिजल्ट को देख करके। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना कम रिजल्ट रहेगा। वाकई में हैरान कर दिया इस रिजल्ट ने, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है सभी कैंडिडेट्स को, सभी टीचर्स को, सबको, कि आखिरकार कमी कहां पर है, दिक्कत कहां पर है। सबसे आसान परीक्षा, हां जी आसान है ये परीक्षा, क्योंकि कल को तो आप लोगों को DSSSB भी की तैयारी करनी होगी, जहां पर सिलेबस ही नहीं दिया गया होता है आधे पेपर का तो, और वहां पर तो 120 मिनट में 200 प्रश्न करने होते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। कल को आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो वैकेंसी आएंगी उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, नवोदय विद्यालय की तैयारी करोगे, EMRS की तैयारी करोगे, और भी देश के अंदर बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, तो वो सब तो सीटेट के मुकाबले काफी मुश्किल हैं। उनकी तैयारी फिर कैसे होगी जब इसी में 20 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो सोचने वाली बात तो है। इस पर मैंने एनालिसिस किया, जब रिजल्ट आया आप लोगों का सीटेट का, उसके बाद में जो परिणाम सामने आए, तो बेटा इसका मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से परखा, और फिर मेरे सामने कुछ पॉइंट्स निकल करके आए कि ये सब वो वजह हैं जिनकी वजह से ये परीक्षा पास नहीं हो पा रही। और वो वजह ही क्या क्या हैं, इसको लेकर के मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा YouTube पर लाइव ठीक सुबह 11 बजे, और इसके लिए हमारा जो दिन है वो होगा बुधवार। तो आप लोग बुधवार वेंसडे ठीक सुबह 11 बजे यहीं YouTube चैनल पर आना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और जो पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा, अगर उन पॉइंट्स को आपने एक बार पकड़ लिया, उन पॉइंट्स को एक बार आप समझ गए, तो ये परीक्षा अगली बार बहुत सारे बच्चे पास कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पास कर रहे होंगे। तो मुलाकात करते हैं लाइव क्लास में।